हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सस्सी की रेसिपी। और फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं खोया के समोसे। खोया के मावा भी उसको बोलते हैं, उसके समोसे बनाने जा रहे हैं। सही चलते हमारे किचन में बनाते हैं खोया के समोसे। और फ्रेंड्स, वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भूले ही नहीं। खोए के समोसे बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने एक बोल ये चीनी ली है। और सबसे पहले आइए बनाते हैं चाशनी। और लगभग इतना ही पानी लेना हमको। आप इससे ज़्यादा भी क्वांटिटी बना सकते हैं। सेम चीनी और पानी लें फ्रेंड्स। और इसे चलाते हुए चीनी को मेल्ट करना, एक चिपचिपी सी चाशनी बनाना है हमको। थोड़ी चाशनी बनानी है, इसलिए मैंने एक बॉल चीनी और एक बॉल पानी लिया। और इसे मिलाते हुए चलाते हुए हमें चाशनी बनाना है। अगर आप चलाएंगे नहीं तो नीचे से चीनी जल जाएगी, लग जाएगी। सो चीनी जब तक हमारी मेल्ट हो रही तब तक ये खोया भून लेते हैं। कढ़ाई में रख दिए गैस पर और ये मैंने खोया निकाल लिया है। खोया को भून के ही डालें फ्रेंड्स। ये हमारा ताज़ा खोया है, होममेड, मैंने घर पर ही बनाया है। और इसे भून के यदि डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा निकल के आएगा और दानेदार बनेगा खोया। सो इसे भून लेते हैं, लो फ्लेम पे भूने ताकि हमारा खोया जले नहीं, आराम से भून जाएगा। खोया हमारा भून चुका है फ्रेंड्स, ये देखें। और हमारे खोया से अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। ये देखिए, पूरी अच्छे तरीके से इसको मैंने 5 मिनट भूना है लो फ्लेम पे। और आइए इसे एक तरफ रख देते हैं। अब चलते हैं चाशनी की तरफ। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, ये देखिए फ्रेंड्स। और ये 2 मिनट से खोल भी रही है, थोड़ा सा और 2 मिनट हमें खोलाना। जब तक ये डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर, थोड़ा सा डालेंगे फ्रेंड्स, ये 1 पिंच, ज़्यादा नहीं। और फ्लेवर के लिए डालते हैं इसमें केवड़ा वाटर। ये 1 चम्मच, इतना बस। और थोड़ा सा और खोला लेते हैं 2 मिनट। 5 मिनट हो गए फ्रेंड्स, मेरी चीनी भी मेल्ट हो गई और एक चिपचिपी सी चाशनी, ये देखें, शहद की तरह, जैसे तेल होता उस तरह हो गई है। अब ये रेडी हो चुकी, इसको एक तरफ रख देते हैं। और आइए, हमारा खोया भी ठंडा हो चुका है और इसमें मिला देते हैं थोड़ा सा वनीला एसेंस फ्लेवर के लिए, बस। और इसे मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो चुका है। और आइए अब अगला प्रोसेस दिखाते हैं आपको। आइए अब समोसे का डो लगाते हैं। समोसे, खोया के समोसे बनाने के लिए मैंने एक बोल मैदा लिया है। और समोसे को खस्ता बनाने के लिए मैंने तेल कढ़ाई में गरम होने के लिए रख दिया है। और ये गरम भी हो चुका है फ्रेंड्स। और आइए इसमें डालते हैं 2 चम्मच, अभी डालते हैं क्योंकि हमारा मैदा ज़्यादा नहीं है, 250 ग्राम मैदा मैंने लिया है। और इसे मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करके देखते हैं कि हमारा मोयन अच्छा लगा कि नहीं। मैं खास कर बिगनर्स को बताना चाह रही हूँ, जो नए नए खाना बनाना सीख रहे हैं, मैं उनका बताना चाह रही हूँ कि खोया के समोसे का डो कैसे लगाया जाता है। अब हम अपने हाथों से इसे अच्छे से मसल के मोयन लगाते हैं। थोड़ा सा मोयन हमारा कम लग रहा है, थोड़ा सा, सुबह 1/2 चम्मच इतना और डालूंगी। और मिक्स कर लेते हैं बस। हमारे खस्ता समोसे बनाने के लिए देखें, ये अच्छे से मोयन लग चुका है, ये देखिए। और आइए अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो लगाते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी कलर के लिए। इतना और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमको डो लगाना है।
एक मुलायम सा डो लगाना, टाइट नहीं लगाना फ्रेंड्स। डो हमारा लग चुका फ्रेंड्स, ये देखिए कुछ इस तरह का होना चाहिए और इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देना। खोया हमारा ठंडा हो चुका है, ये देखिए फ्रेंड्स दानेदार हो गया। ये देखिए इसी तरह हमको खोया चाहिए समोसे बनाने के लिए। और ये डो भी हमारा रेस्ट कर चुका है अच्छे से। थोड़ा सा आटा लेते हैं और इसे ढक के रख देते हैं और भाई बनाते हैं समोसे। इतने बड़े पेड़े हम बना रहे हैं, साइज अपने हिसाब से रखिएगा फ्रेंड्स, जितना आपको पसंद हो उतना साइज बनाइएगा, बड़े छोटे जैसे भी। मुझे थोड़े बड़े बनाने हैं तो मैं इतना साइज रखूँगी। ये देखिए आइए इसको बेल लेते हैं, इसको अंदर रख देते हैं कि हमारा आटा सूखे नहीं। इसको बेल लेते हैं, कुछ भी नहीं लगाना इसमें, सूखा आटा अच्छे से मोयन लगा हुआ हमारा मैदे में। सो ये इसी तरह बेल जाएगा। ये हमारी देखो एक बेल हमने और इसको बीच से काटते हैं, साइज बराबर बराबर दोनों का हो। ये देखिए इसको हाथ पे उठाते हैं, हमारा आटा एकदम से नरम मुलायम है। और थोड़ा सा पानी लगाना और ये ऐसे मोड़ देना, यहाँ से प्रेस करके दबा देना और ये ऐसे हो जाएगा। और फ्रेंड्स अच्छे से खोया भरिएगा अच्छे से, तभी खाने में टेस्टी लगेगा। खूब अच्छे से इस तरह, और यहाँ पर भी पानी लगा लेते हैं कि हमारा अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए ये हमारा एक समोसा बन गया। इस पर एक लोग रख देते हैं, आइए आपको दूसरा बताते हैं। ये देखिए थोड़ा सा पानी लगाएं और इसको ऐसे, ये चिपक गया, इसको भी अच्छे से भर लेते हैं। ये देखिए समोसा आप अच्छे से भर के बनाएं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा खाएं अच्छा खाएं। ये देखिए इसको ही पानी अच्छे से लगा लेते हैं और ऐसे लॉक, ये अच्छे से लॉक हो चुका है हमारा। हमारे समोसे अच्छी क्वांटिटी में बन गए और हमने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। और ये तेल को हम थोड़ा सा चेक करते हैं, अगर ये तुरंत ऊपर आ गया तो तेल हमारा गर्म है। देखिए अभी गर्म है ही, अभी और गर्म करना। एक मिनट हो गया हमारा, देखें तेल गर्म हुआ कि नहीं, फिर से थोड़ा सा आटा डाल के देखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ऊपर आ गई, तेल हमारा परफेक्ट गर्म है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं गर्म करना है। और गैस को थोड़ा मीडियम में कर देना है और उसी तरह तलना है जिस तरह हम समोसे तलते हैं। ये देखिए धीरे धीरे तेल में छोड़ दें आपका तेल जितना, उसी हिसाब से आप सारे समोसे फ्राई कर लें अच्छे से। इनको फ्राई होने में भी कम से कम 6-7 मिनट लगेगा, बस इतने हम तलेंगे इसको। इनको अभी छूना नहीं बिल्कुल भी, ये अपने आप ऊपर आएंगे। समोसे हमारे फ्रेंड्स देखिए तैर कर ऊपर आ गए हैं और इनको हम धीरे से पलट देते हैं। 3 मिनट से ये 3 मिनट एक तरफ पकाएं और अब इस 3 मिनट इस तरफ पकाएंगे। कम से कम 5-6 मिनट जब समोसे पकते हैं तो बढ़िया क्रिस्पी हो जाते हैं। इसी तरह समोसे हम पका लेते हैं इधर भी 3-4 मिनट, जब तक ये हमारे पक रहे हैं तब तक आइए हम दूसरे समोसे बना लेते हैं। बस पानी लगा के लॉक हो गया, मिलते हैं फिर सारे समोसे बना के।
सात आठ मिनट से हमारे समोसे पक रहे हैं लो मीडियम आंच पे, और ये एकदम से क्रिस्पी हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब आइए इनको प्लेट में निकाल लेते हैं, धीरे धीरे निकाल लेते हैं प्लेट में सारे समोसे। सारा तेल कढ़ाई में निचोड़ के अच्छे से निकाल लेते हैं, जो एक्स्ट्रा तेल आ जाता है सो सारा निचोड़ के निकाल लेते हैं। आइए अब दूसरा बेज भी तलते हैं। तेल कढ़ाई में भरा होना चाहिए फ्रेंड्स, तभी हमारे समोसे अच्छे से पकेंगे। ये देखिए इनको तलने देते हैं, और ये समोसे हमारे चाशनी में जाएंगे। चाशनी हल्की गुनगुनी होनी चाहिए, और इसमें ये सारे समोसे डाल देते हैं। ये देखिए ये अच्छे से दो मिनट में सारी चाशनी पी लेंगे। इन समोसे हमारी चाशनी अच्छे से भर चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इनको खूब अच्छे से डुबो के इसके अंदर चाशनी भरी है, और ये दो मिनट से ज़्यादा हो गए इनको पड़े हुए। और ये निकाल लेते हैं इनको प्लेट में। और प्लेटिंग करते हैं एक अच्छे से प्लेट में। सारे समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स, और आइए अब सर्व करते हैं अच्छी सी प्लेट में। समोसे हमारे सर्व हो चुके हैं फ्रेंड्स, और आइए इसके ऊपर थोड़ा सा चांदी वर्क लगाते हैं, डेकोरेट करते हैं अपने समोसे को। समोसे हमारे सर्व हो चुके हैं, और मैंने डेकोरेट भी कर दिया है, और आइए आपको एक काट के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही जूसी और क्रिस्पी हैं। ये देखिए इनके अंदर मावा कितना भरा हुआ है ठूस ठूस कर। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और कमेंट करना तो कंपलसरी ही है।